हेलो, आपका दा डेली स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटर पनीर। इसके लिए हम लोग को जरूरत है 200 ग्राम पनीर और हरी मटर, ये मैंने फ्रोजन मटर ली है, और कुछ कलियां लहसुन की, दो मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, डेढ़ टमाटर कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये पनीर मसाला, और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, जिसमें चार बादाम है और थोड़े से काजू, और ये कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें ये तेज पत्ता, दो तेज पत्ते लिए हैं, चार लौंग, एक स्टार एनस मतलब चक्रफूल, और एक जावित्री का फूल। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, सरसों का तेल, आप इसकी जगह और कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, तब ये हमने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। हमारा तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तब तक हम ये प्याज लहसुन पीस लेते हैं। हमारा लहसुन प्याज पीस चुका है, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी में हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। टमाटर पिस चुका है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये पनीर सेक लेते हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन होता है, तब तक हम ये पीस लेते हैं। ये हमने काजू और बादाम को पीस लिया है, ज्यादा महीन नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है। हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हमारे पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें उसी तेल में लहसुन प्याज का पेस्ट पीस के फ्राई करते हैं। अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये लहसुन प्याज हमारा भूनता है, गोल्डन ब्राउन होता है, तब तक हम ये खड़े मसाले हैं जो वो अलग फ्राई करते हैं। लगभग भून गया है, अब इसमें हम ये टर्मरिक पाउडर लगभग आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ धनिया डाल लेते हैं और इसे लगभग आधा मिनट के लिए भूनते हैं। हमारे सारे मसाले भून गए हैं, अब इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से भूनना है, ऑयल ना छोड़े। हमारा मसाला पक चुका है और किनारे किनारे तेल भी छोड़ने लगा है, अब इसमें ये मटर लगभग आधा मिनट के लिए फ्राई करते हैं। लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेते हैं, बादाम और काजू का पेस्ट भी डाल लेते हैं, लगभग 1 मिनट तक फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पे। हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें ये पानी डाल देते हैं, लगभग आधा ग्लास, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसमें हमने लगभग 1 ग्लास पानी डाल दिया है, अब इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं। ये हमारी सब्जी बॉईल हो चुकी है, अब इसमें ये पनीर डाल देते हैं और लगभग आधा मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। अब इसमें हम ये पनीर मसाला डालेंगे लगभग 1 चम्मच, अच्छे से मिला देते हैं।
इसे आधे मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हमारा मटर पनीर बन चुका है, अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारा मटर पनीर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।